गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आएम डॉक्टर मंजू बाला यादव एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हमें पता है जो एंट्रॉपी चेंज है विथ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होता है डी एस इज इक्वल टू सी पी वाई टी टी डी टी अब अगर हम जो सॉलिड को हीट कर रहे हैं जीरो कैलविन से टी केलविन पर एट कॉन्सटेंट प्रेशर और जहाँ टी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड से कम है तो सॉलिड एट जीरो केलविन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू सॉलिड एट टी कैलवें अब अगर हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो हम जो ऊपर इक्वेशन है उसको अगर इंटीग्रेट करें डेलेस इज इक्वल टू एस टी माइनस एस जीरो हमारे जो लिमिट्स हैं वो जीरो टू टी हैं सी पी वाई टी डी टी तो हमारे पास एस टी इज इक्वल टू एस जीरो प्लस सी पी वाई टी डी टी विद इन लिमिट जीरो टू टी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर एस जीरो है एंट्रोपी एट जीरो डिग्री ज़ीरो केलवेन और ये जो है हाइपोथेटिकल वैल्यू है तो हम मानते हैं कि जो एस जीरो है वो जीरो है फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि एंट्रोपी जो है किसी भी प्योर और जो आपका क्रिस्टलाइन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके लिए जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो ये हमारा थर्ड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है यानी कि एस लिमिट टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो अगर हम इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है ऑन अप्लाइंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑन इक्वेशन वन इक्वेशन वन पे करें तो एस टी इज़ इक्वल टू सी पी बाई टी डी टी जीरो टू टी और दिस इज इक्वल टू सी पी एल एंड सी पी जो है आपका सी पी डी एल टी ठीक है अपना जो है वन बाई टी डी टी बाई डी टी जो है वो एल एंड टी हो गया तो आ, एस जीरो क्योंकि जीरो के बराबर है तो एस टी इज इक्वल टू सी पी डी लॉक टी जीरो टू टी के बराबर हो गया ये एब्सोल्यूट एंट्रापी ऑफ द सिस्टम है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट एंट्रापी जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी अब हम अगर नरेंद्री थ्योरम देखें तो गिब्स और हेलमोट्स ने एक रिएक्शन दी फ्री एनर्जी चेंज की और एंथलपी चेंज की डेल जी माइनस डेल एच इज इक्वल टू टी इन चेंज चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिस इज़ प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर अब इस इक्वेशन में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और अगर हम इसको जीरो केल्विन के ऊपर पढ़ें तो डेल जी माइनस डेल एच इज इक्वल टू जीरो यानी कि जब लिमिट टी टेंस टू जीरो है तो डेल जी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो डेलेज इसका मतलब डेलजी इज इक्वल टू डेलेज एट एब्सोल्यूट जीरो फ्री एनर्जी चेंज और एंथरपी चेंज जो है वो सेम होती है एब्सोल्यूट जीरो पे। अब नरेंस ने इसको वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली कि जो चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ दिस इज प्रेशर वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ उन्होंने कहा कि जो फ्री एनर्जी चेंज और एंथेल्पी चेंज है वो इक्वालिटी की तरफ अप्रोच करते हैं सिम्टोटिकली इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो ये हमारा नरेंस शीट थ्योरम है जो कि कहता है कि जब एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास है मामला तो जो दोनों फ्री एनर्जी चेंज है और एंथेल्पी वो अप्रोच uh, इक्वालिटी करते हैं जैसे कि हम इसको इस ग्राफ से देख सकते हैं ये हमारा डेल और डेल एच और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है तो जब टेम्परेचर जो है जीरो केल्विन के बराबर जा रहा है तो ये दोनों जो है इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कॉन्सेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथेल्पी एट कॉन्सेंट प्रेशर विद टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो बच्चों अब अगर हमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है हीट कैपेसिटी से तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं एस टी इज इक्वल टू सी पी वाई टी डी टी जीरो टू टी दैट इज इक्वल टू सी पी डी लॉग टी जीरो टू टी इन द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग ट्रांजिशन आर इंक्लूडेड हमको जब एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेल्टिंग बॉइलिंग और ट्रांजिशन वो भी इंक्लूड करने होते हैं तो हमारा जो है वो सपोज हम जो है सॉलिड को हीट कर रहे हैं अबउ इट्स मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर टी तक हम उसको जो है हीट कर रहे हैं और एंट्रोपी जो इस टेम्परेचर के ऊपर होगी अबउ द बॉइलिंग टेम्परेचर जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी सी पी बाय टी है ना आपका डी टी ये हमारी जो एनथ्रापी एस वन होगी और ये डेल एच टी बाय टी एंथेरपी ऑफ ट्रांजिशन हो गया ठीक है है ना और ये जो है आपका टी टी हो जाएगा टेम्परेचर है ना फिर सी पी वाई टी दिस इज़ एंड्रॉपी टू डी टी फ्रॉम टेम्परेचर टी टी टू टी एम और ये आपका मतलब जो आपने जीरो से टेम्परेचर टी तक पहले हीट किया फिर टेम्परेचर टी से आपने मेल्टिंग पॉइंट तक किया तो डेल एच एफ जो फ्यूजन है अपॉन मेल्टिंग पॉइंट फिर आपने मेल्टिंग से उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो सी पी ये लिक्विड का हो गया by टी डी टी और ये वेपराइजेशन by टी बी और फिर जो है हमारा टी बी से वो अगेन हाई टेम्परेचर पे है तो सी पी बाई टी इंटू अब यहाँ पर आपका डेल एच टी डेल एच एफ डेल एच ये कौन से हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन रिस्पेक्टिवली टी 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 एम एंड टी बी एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली ठीक है वो हमारे हीट्स ऑफ ट्रांजिशन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन है और ये हमारे ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्माइन सी पी इन द वेनिटी ऑफ एप्सोल्यूट जीरो अगर हमको सी पी कैल्कुलेट करना है एप्सोल्यूट जीरो के पास तो वो पॉसिबल नहीं है इसलिए हम सी पी आर मेजर्ड अप टू लो टेम्परेचर एज पॉसिबल एन देन एक्सट्रापुलेटेड टू जीरो कैलविन सी पी को हम जीरो कैलविन पर कैल्कुलेट नहीं कर सकते इसलिए हम एकदम इसको जितना लो टेम्परेचर तक कैलकुलेट कर सकते हैं वो करते हैं और फिर उसको एक्स्ट्रापुलेट कर लेते हैं उसको जीरो तक खींच लेते हैं एंड देन एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कैलवन अ प्लॉट बिटवीन सी पी एंड एल एन टी इज प्लॉटेड एंड एक्सट्रापुलेटेड टू जीरो कैलवन हम एक प्लॉट बना रहे हैं सी पी के बीच में और एल एन टी के बीच में और उसको जो है हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं टू जीरो केलवन ये हमारा जीरो कैलवेन है और यहाँ पर डिबाइड ने जो रूल uh, यूज़ किया दैट वॉज सी वी इज इक्वल टू ए टी क्यू एंड इट माइंड द वैल्यू ऑफ सी पी वेयर ए इज कॉन्सटेंट एंड एट नियर बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर सी पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी वी ठीक है जो रूल था डिवाई का दैट वॉज सी वी इज इक्वल टू ए टी क्यूब और उन्होंने जो है वैल्यू ऑफ सी पी को डिटर्माइन किया वेयर ए इज़ कॉन्सटेंट एंड एट नीयर बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर सी वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी वी डिबाई रूल से हमने क्या कैलकुलेट किया सी वी कैल्कुलेट किया वो करना ईजी है और फिर हमने उसको जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर दोनों जो है लगभग बराबर होते हैं तो उसको सी पी की जगह पुट कर दिया सो नेक्स्ट ट्रपुलेशन सी वी कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सी पी आप जो जनरल कंडीशन है ऑफ स्पॉन्टीनिटी एंड एकुलेब्रियम जनरल कंडीशन ऑफ स्पॉन्टीनिटी एंड एकुलेब्रियम इफ़ इन अ सिस्टम क्यू इक्वेबरियम इज द हीट एब्जॉर्ब ए टेम्परेचर टी एंड डी एस इज द स्मॉल चेंज इन एंट्रॉपी देन वी नो डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी अगर हम जनरल कंडीशंस पढ़े स्पॉन्टीनिटी की और इक्वेबियम की तो जो डी एस है वो किसके बराबर होता है क्यू रिवर्सिबल दैट इज अ हीट एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर टी या टी डी एस किसके बराबर हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल के बराबर अगर प्रोसेस इर रिवर्सीबल है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी होगा तो वहाँ पे टी डी एस जो है ग्रेटर देन क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वहाँ पे टी डी एस ग्रेटर देन क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टी डी एस जो इक्विलिब्रियम कंडीशन और जो हमारी इरिवर्सिबल कंडीशन ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी जिसमें कि डी एस इज ईक्ल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी टी डी एस इज टू क्यू रिवर्सिबल और ये हमारी इ कंडीशन है दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस की है और इन इक्वालिटी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस की है अब फर्स्ट लॉफ थर्मोडानेमिक्स इज टी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू दैट इज क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डब्लू आप जो हमारा ऊपर नाइन इक्वेशन है और टेन इक्वेशन है इसको हम मिक्स कर दें तो टी डी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू और क्यू रिवर्सिबल की जगह डी ई प्लस डब्लू रख देंगे तो टी डी एस माइनस डी ई माइनस डब्लू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो डब्लू का मान हमें पता है पी डी वी के बराबर होता है तो टी डी एस माइनस डी ई माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो तो इसमें जो इक्वल टू है दैट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्वेबियम अगर ये वैल्यू और अगर ग्रेटर है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताता है तो कोई भी रिएक्शन जो है कब इक्वेबियम में है और कब वो स्पॉन्टेनियस है ये हम उसकी जो है टी डी एस और क्यू रिवर्सिबल वैल्यूज़ जो है हमारी एंट्रोपी चेंज और जो हमारी हीट एब्जॉर्ब है एट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस उससे हम बता सकते हैं अब अगर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखें कैलकुलेट एंट्रॉपी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू जीरो डिग्री सेंटी जीरो डिग्री आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वन कैलोरी पर कैलविन पर ग्राम और जो डेल एच और डेल एच एफ है वाटर के वो 540 एंड 80 कैलोरीज पर ग्राम रिस्पेक्टिवली है तो हमको जो है कैलकुलेट uh, करना है एनट्रॉपी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम 100 डिग्रीज टू जीरो डिग्री आइस यहाँ पे डेल एच जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है डेल एच जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो हमारे जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे uh, पहले हमारा क्या है क्योंकि वन मोल ऑफ वाटर है है ना डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन एन्ट्रॉपी चेंज इन द प्रोसेस वन मोल ऑफ वाटर वेपर है हंड्रेड डिग्रीज पे वो किस में कन्वर्ट होगा वाटर एट हंड्रेड डिग्रीज़ में लिक्विड में तो वहाँ पर जो डेलेस भी होगा वो डेल एच भी अपॉन टी बी होगा फिर जो वाटर आ गया हंड्रेड डिग्रीज़ पे फिर वो वाटर एट लिक्विड जीरो डिग्रीज होगा वो हमारा डेलेस जो है दैट विल बी सी पी डी टी बाई डी टी टी वन टू टी टू और जो थर्ड कंडीशन होगी हमारी वो होगी वाटर एट लिक्विड जीरो डिग्रीज टू आइस एट जीरो डिग्रीज और यहाँ पर डेल एस एफ इज़ इक्वल टू डेल एच एफ अपॉन टी एफ वैल्यू हो जाएगी है ना तो हमने तीन कंडीशन में हम इसमें जो है पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या हमने देखी कि पहले जो वेपर स्टेज था वो किस स्टेट uh, में गया हमारा वेपर स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में गया है ना फिर लिक्विड स्टेट जो है वो जीरो डिग्रीज लिक्विड में गया और फिर जीरो डिग्री लिक्विड जो है वो आइस जीरो डिग्री में गया तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो फाइव फोर्टी इंटू एटीन दैट इज़ नाइन सेवन टू जीरो कैलोरीज पर मोल डेल एच एफ जो है एट्टी इंटू एटीन वन फोर फोर जीरो कैलोरीज पर मोल और सी पी जो है वन इंटू एटीन एटीन कैलोरीज पर मोल है अब डेल एच वी और डेल एच एफ जो है नेगेटिव हैं क्योंकि हीट जो है निकल रही है प्रोसेस में तो यहाँ पर डेल एस टोटल किसके बराबर हो जाएगा जो हमारी वेपराइजेशन है प्लस डेलेस प्लस डेलेस फ्यूजन ठीक है तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है डेलेस वी माइनस नाइन सेवन टू ज़ीरो अपॉन टेम्परेचर थ्री सेवेंटी थ्री फिर एटीन डी टी बाई डी टी टू सेवेंटी थ्री टू थ्री सेवेंटी थ्री और फिर माइनस वन फोर फोर ज़ीरो टू सेवेंटी थ्री तो ये जो है हमारा माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स प्लस एटीन इंटू टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री लॉग ऑफ टू सेवेंटी थ्री अपॉन थ्री सेवेंटी थ्री माइनस फाइव पॉइंट टू सेवन ठीक है ये जो हमारा सी uh, पी है एटीन तो सी पी डी टी बाई डी टी दैट इज़ सी पी एल एन टी और फिर उसको टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री इंटू लॉग कर सकते हैं तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस विल बी माइनस ट्वेंटी सिक्स बाय जीरो सिक्स माइनस फाइव पॉइंट सिक्स वन माइनस फाइव पॉइंट टू सेवन दैट इज माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन फोर कैलोरीज पर कैलविन पर मोल अब जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है वन मोल ऑफ इथेनॉल इज वेपराइज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट सेवेंटी एट डिग्रीज इफ़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एट सिक्सटी सिक्स जूल पर ग्राम कैलकुलेट एंट्रॉपी चेंज इन द प्रोसेस चेंज इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा डेल एच वी अपॉन टी बी डेल एच वी क्या हो जाएगा एट सिक्सटी सिक्स इंटू फोर्टी सिक्स एट सिक्सटी सिक्स अपना क्या है डेल एच वी है और टेम्परेचर हमारा क्या है सेवेंटी डेल एच वी पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे वो क्या हो जाएगा एट सिक्सटी सिक्स इंटू जो इथेनॉल का मॉलिकुलर वेट है फोर्टी सिक्स थ्री नाइन एट थ्री सिक्स और फिर आपका डेल एच वी इसलिए थ्री नाइन एट थ्री सिक्स जूल पर मोल हो गया टी एफ जो है वो सेवेंटी एट प्लस टू सेवेंटी थ्री दैट इज़ थ्री फिफ्टी वन इसलिए डेलेस भी क्या हो जाएगा थ्री नाइन एट थ्री सिक्स अपॉन थ्री फिफ्टी वन दैट इज़ वन हंड्रेड थर्टीन पॉइंट फोर नाइन जूल पर कैलवें इस तरह से हम अगर हमको एंट्रॉपी चेंज कैलकुलेट करना है किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम उसको उस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं थैंक यू